Assalamu alaikum viewers, as you know that my name is Abu Qasim and my name is Ghosmuddin and you are watching Besties. So guys, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और हमारी वीडियोस को खूब इन्जॉय कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में भी हम कुछ वीडियोस पे, जैसे हमने पहले रिएक्ट किया था होनी पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, और आज की वीडियोस पे जिन पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उनका टाइटल है डोंट ट्राई दिस एवर। ओहो, यानी कि आज की वीडियो में हम जिन वीडियोस रिएक्ट करने जा रहे हैं उनमें कुछ हम ऐसी वीडियोस देखेंगे कि जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप कभी ऐसा मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपको बहुत नुकसान पहुंच सकता है। हाँ जी, तो क्यों ना चले वीडियो की तरफ और हम देखें कि आखिर उन्होंने ऐसी क्या बेवकूफ़ी की जिनकी वजह से उनको नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। कहीं मेरे ख्याल से कुछ चैलेंज है लेकिन लगता है कि बुरा होने वाला है। इतना बुरा भी हो जाएगा मुझे ऐसा कभी पता नहीं था। जो भी हो, चैलेंज हो या ना हो, आप कभी ऐसा मत ट्राई कीजिएगा। और जब करने भी लगो तो अपना लास्टिक टाइट रखिए। ओके, वाओ, तो ठीक एक नहीं होगी। यार वैसे बेचारे की बतीसी बार आने वाली होगी। यार वैसे उसने पता नहीं, मेरे ख्याल से उसको ये लग रहा होगा कि वो इस गोल गेंद का जो बॉल आ रही है उसको रोक के कोई नया ही वर्ल्ड स्कोर बना लेगा। लेकिन बेहद बेचारे की क्या फीलिंग होगी जब वो इस तरह हाथ आए करके खड़ा होगा और पीछे कैमरे बड़े मैं देख रहा होगा और उसके मुंह पर लगी होगी बेचारे के दांत जब पाँच ही टूट गए होंगे। हाय, मैं तो ऐसा कभी ट्राई नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप कीजिएगा तो, बल्कि अभी ना कीजिएगा, लेकिन अगर कीजिएगा तो सामने देख के कीजिएगा। पकाना फट गया। क्या बोला? यार मैंने बोला है गुब्बारा फट गया। हाँ। यार वैसे मुझे पहले से ही लग रहा था कि बलून का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। गहरी बात है, मेरे जैसा हल्का फुल्का बंदा हो फिर बंदा हो कर तो सकता है, मैं क्या बेचारा 20 आधा 30 किलो का मैं हूँ। ओके। यार वैसे मुझे लगता है कि गर्मी के मौसम में बारिश का एक्सपीरियंस करना चाहिए। यार वैसे फिर भी अगर आपने सुई मारी है क्या, वो जो उसके अंदर बलून तो फट गया है लेकिन जो नीचे था उसके अंदर भी तो सुराख हो गया होगा, जब उसके बाद कोई जंप मारेगा तो। ओके। वैसे ऐसी शोखी मारने की कोशिश तो मैंने भी कई बार की है और मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। चैट लाइफ। ओके। उसकी पाँव यार वैसे बेचारी का अंदर बाहर चली गई। वो तो बेचारे को डगर के साथ ही लेके जा रहे थे, लगता है कि अगले शहर ही ले जाते बेचारे को अगर वो जाता ना। वाह हाय, कितनी क्यूट बच्ची है। यार कद भी बहुत क्यूट की है। यार वैसे इससे नुकसान भी हो सकता था अगर उसकी नाक में पानी चला जाता है या सांस वाली नाली में खुदा ना खास्ता से चला जाता, लेकिन आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। वैसे मेरे साथ भी ऐसी कई बार हुई है। मेरे साथ तो ऐसे यानी कि इस तरह की नहीं, मेरे साथ कई बार ऐसी हुई है कि जब हम पानी पी रहे होते हैं तो हमें कोई साथ है तो मेरी नाक से पानी बाहर आ जाता है। और कभी मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं नहा रहा होता तो मेरे कान में पानी चला जाता है। नहाते वक्त कान में किसके पानी जाता है? कभी कभी चला जाता है। अभी याद करो आप कभी गया होगा कभी। ओके, लगता है जहाँ वैसे यार तो साफ सफा रहा था कि बंदा इतनी ऊपर जम करके जा ही नहीं सकता। वैसे मेरे ख्याल से गैलरी में जाना चाह रहे थे, कोई स्टंट मारना चाह रहे नहीं, ऊपर वो रोशनदान था ना उनके ऊपर छलांग मारने लगे थे। रोशनदान ही था, गैलरी थी। माय ड्रीम हाउस। वैसे यार मुझे भी ऐसा करने का बहुत शौक है लेकिन ऐसा करने का शौक नहीं है। यार वैसे हरकत तो ऐसे उनकी बेवकूफ़ी वाली हरकत तो नहीं कही, लेकिन मेरे ख्याल से उस तरफ किसी को भी खड़ा होना चाहिए था ताकि वो उसको पुश कर सके दूसरी तरफ। कोई दो से तीन बंदे खड़े होने चाहिए थे भाई। हाँ ये भी सही है। वैसे पकड़ लेना था। हाँ चलो। अलमारी की उठ गई। शुक्र है अलमारी के अंदर उसकी अम्मी का जहेज का सेट्टी पड़ा हुआ था। नहीं तो उसका भी जहेज तैयार हो जाना था बेचारी का। ओके। ओ बेचारा टोकी। बेचारा यार भागता भागता बॉल पकड़ने की नहीं हथियार होगा और उसका तो अपना ही वो बॉल बन बॉल बन के उड़ गया। ओके। भाई एक मर्द होने के नाते से मैं आपको दर्द समझ सकता हूँ। और मैं भी। ओके झूले माया। वैसे यार मेरे ख्याल से तो ये पब्लिक बाथरूम नहीं था टॉयलेट का, वो यानी कि पब्लिक टॉयलेट है मेरे ख्याल से किसी शॉपिंग मॉल वगैरह का। यार जुर्माना तो बहुत पता होगा इनको। जाहिर बात है ऐसी हरकतें करे जुर्माना तो पड़ना चाहिए।
यार वैसे ये पहली वीडियो से कुछ मिलता जुलता ही है, सेम कमेंट भाई, मैं फिर मर्द हूँ, बल्कि फिर नहीं, मैं पहले भी मर्द था, अभी मर्द हूँ, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। और मैं भी ए वंस अगेन। ओके ये क्या हो रहा है? वैसे यार शुक्र है मैं नहीं देख लिया, क्योंकि मैं भी ये कल परसों ट्राई करने वाला था। यार वैसे कोल्ड ड्रिंक जो है वो सेहत और खेल दोनों के लिए नुकसानदेह है। ये बात तो है, वीडियो देख के पता लग गया। आप भी कभी ऐसे ट्राई मत कीजिएगा, मुझे पता है आपके दिन में कुछ है आ रहा होगा कि हम भी ट्राई करेंगे। ओह माय गॉड, आई लव जिमनास्टिक। यार मुझे ऐसा करने का बहुत शौक है, लेकिन ऐसा करने का भी शौक नहीं है। वैसे भाई की तो खैर, लेकिन कैमरा जो कैमरा तो बस के ना जो गिरा था। हाँ मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये। तो गाइस उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में ये बताना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि भाई आपके साथ कोई ऐसा सीन हुआ है या आपने कभी असल में ऐसा सीन देखा है, तो हमें ज़रूर वीडियो सेंड कर दीजिएगा, हमें बहुत शौक है ऐसे सीन देखने का। तो आपका वीडियो का एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।